तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र मॉडल क्वेश्चन के बारे में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो पिछले साल पूछे भी गए थे और इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो को आपको पूरी देखना है, ठीक है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा कि मैका इवर एवं पेज ने समूह की अपनी परिभाषा में किस बात पर विशेष जोर दिया है, ठीक है। तो उन इन ऑप्शनों में से आपको मिल जाएगा ऑप्शन एक है, एक दूसरे को प्रभावित करने पर, अर्थपूर्ण उत्तेजना पर, सी नंबर लंबी अवधि से संचार पर, डी नंबर सामाजिक संबंधों पर। तो मैकावर एवं पेज, मैं आपको बता दूं ये समाजशास्त्री हैं, ठीक है, मैकावर एवं पेज, ठीक है। बहुत सारे अभी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो समाजशास्त्री हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों, विशेष जोर दिया है उन्होंने सामाजिक संबंधों पे, इसलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सोशल यानी कि सामाजिक समाजशास्त्र वाला एग्जाम होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग फोकस जरूर करिएगा, ठीक है, सही से क्वेश्चन समझिएगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिले, ठीक है। क्वेश्चन अगला आता है कि अंत समूह एवं बाह्य समूहों के रूप में समूहों का वर्गीकरण किस समाजशास्त्री ने दिया। ऑप्शन एक है मार्टन ने, बी नंबर कूले ने, सी नंबर आगबर्न ने और डी नंबर समनर ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा समनर ने, ठीक है, डी नंबर, ओके। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है। अगला क्वेश्चन ये है कि छुओ और जाओ के संबंध में किस समूह की विशेषता है, किस समूह की विशेषता। ऑप्शन एक है सामाजिक की, द्वितीयक की, बी नंबर सी नंबर है प्राथमिक की और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो जिन स्टूडेंट को राइट आंसर मालूम बेशक वो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो छुओ और जाओ के संबंध में किस समूह की विशेषता वो है, ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, बी नंबर द्वितीयक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सामाजिक समूह का उदाहरण है। ऑप्शन एक आपको मिल जाएगा श्रमिक संघ, बी नंबर परिवार, सी नंबर पति पत्नी और परिवार, ठीक है। तो निम्न में से जो सामाजिक समूह का उदाहरण है दोस्तों वो है इन सभी में परिवार, ठीक है, सामाजिक समूह का उदाहरण परिवार है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकता है, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन संदर्भ का समूह है। नंबर एक जहाज पर कार्य करने वाला अभियंता, बी नंबर है अनुविज्ञान विशारद और सी नंबर कॉलेज जाने वाला विद्यार्थी और डी नंबर इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सा संदर्भ का जो समूह है वो है इनमें से सभी, ठीक है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, इसलिए राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि अर्ध सहभागी समूह का प्रत्यय किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन एक है सोरोकिन ने, बी नंबर है आगबर्न ने और डी सी नंबर है जिन्स वर्ग ने और डी नंबर है मैका इवर ने। तो अर्ध सहभागी समूह का प्रत्यय जिन्होंने दिया है उनका नाम है, वो समाजशास्त्री हैं, जिन्स वर्ग ने, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन द्वितीयक समूह नहीं है। ऑप्शन एक है क्लासरूम छात्र, बी नंबर है एक शहर, सी नंबर मजदूर और मजदूर यूनियन और डी नंबर है राजनीतिक पार्टी। तो निम्न में से जो द्वितीयक समूह नहीं है वो है क्लासरूम छात्र, ठीक है, क्लासरूम छात्र, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे बेशक उसे आप नोट डाउन करिएगा, स्क्रीन शॉट जरूर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको बाद में हेल्प मिल सके पढ़ाई करने में। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, जिन जो स्टूडेंट हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साथ में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आपको मैं बता दूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों तक सोशल मीडिया, व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप यूज करते हैं उस पर शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि संदर्भ समूह प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। संदर्भ समूह प्रत्यय सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन आपको मिल जाएंगे आल्टपोर्ट, बी नंबर है सोरोकिन और सी नंबर है हाइमन और डी नंबर है मार्टन, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, हाइमन ने, ठीक है, संदर्भ समूह का प्रत्यय सर्वप्रथम हाइमन ने प्रतिपादित किया।
सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनजाति राज्य एवं राष्ट्र को किस प्रकार के समूह के अंतर्गत रखा जाएगा? ऑप्शन है प्राथमिक समूह में, संदर्भ समूह में, क्षेत्रीय समूह में, अस्थायी समूह में। तो जनजाति राज्य एवं राष्ट्र को क्षेत्रीय समूह के अंतर्गत रखा जाएगा, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्षेत्रीय समूह में। क्षेत्रीय ये वाला था क्षेत्रीय, ठीक है, ये वो टाइप करने में नहीं आ रहा था इसलिए मैंने ये वाला लिख दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संदर्भ समूह का मुख्य आधार है, नंबर एक है वैयक्तिक संबंध, बी नंबर है लघु आकार, सी नंबर संबंधों में घनिष्ठता, और डी नंबर सदस्य बनाने की आकांक्षा, ठीक है। तो संदर्भ समूह का मुख्य जो आधार है वो है दोस्तों सदस्य बनने की आकांक्षा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओके। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि पशु समाज में चींटियों के अतिरिक्त किसमें श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण पाया जाता है? तो पशु समाज में चींटियों के अतिरिक्त किसमें जो श्रम विभाजन पाया जाता है वो पाया जाता है मधुमक्खी में, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, मधुमक्खी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि जिस समूह के सामाजिक प्रतिमान वंशानुक्रम, ठीक है, के आधार निर्धारित होते हैं उन्हें कहा जाता है? तो जिस समूह के सामाजिक प्रतिमान वंशानुक्रम, ठीक है, वंशानुक्रम के द्वारा निर्धारित होते हैं उन्हें कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका जैविक सामाजिक प्रतिमान, ठीक है, सी नंबर। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक समूह की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं हैं या विशेषता है? ऑप्शन एक है जनसंख्या, बी नंबर है हम की भावना, और सी नंबर निश्चित क्षेत्र, और डी नंबर है इनमें से सभी। तो सामुदायिक समूह की निम्नलिखित में से जो विशेषता है वो है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इनमें से सभी, जनसंख्या भी है, हम की भावना भी है, निश्चित क्षेत्र भी है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का डी नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कि निम्न में से प्राथमिक समूह का चयन कीजिए। ऑप्शन एक है ग्राम, बी नंबर मित्र मंडली, सी नंबर राष्ट्र, और डी नंबर श्रमिक संघ। जो प्राथमिक समूह है वो है मित्र मंडली, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी नंबर, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि समुदाय के लिए किस बात का होना आवश्यक है? नंबर एक निश्चित क्षेत्र या भूभाग, निश्चित संख्या, सी नंबर अवैयक्तिक लोग, डी नंबर इनमें से सभी। क्वेश्चन शायद इसी तरह के आपने ऊपर देखा होगा, लेकिन क्वेश्चन दूसरा है, डिफर है, लेकिन सिमिलैरिटी है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कि निश्चित क्षेत्र या भूभाग, समुदाय के लिए किस बात का होना आवश्यक है वो है निश्चित क्षेत्र का, क्षेत्र या भूभाग, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बताइए कि कौन समुदाय है? नंबर एक कस्बा, बी नंबर केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सी नंबर है क्रिकेट टीम, और डी नंबर है कॉलेज का छात्रावास। तो निम्न में से जो समुदाय, निम्न में से जो समुदाय है वो है कस्बा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी है, नंबर एक नेतृत्व, पी नंबर सत्ता, और सी नंबर राजनीतिक दल की अवधारणा, और डी नंबर है वोट की अवधारणा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा राजनीतिक संस्थाओं को समझने की कुंजी राजनीतिक दल की अवधारणा है, इसलिए राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैमिन साफ्ट को निम्न में से किस रूप में पहचाना जाता है? तो ऑप्शन आपको मिल जा रहे हैं समाज, क्षेत्र, समुदाय, पड़ोस। तो जैमिन साफ्ट को जो पहचाना जाता है वो पहचाना जाता है समुदाय के रूप में, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, ओके। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है कि समित समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है,
यह कथन किस समाजशास्त्री का है? नंबर एक है कुले का, बी नंबर है होमंस का, सी नंबर मोरिस गिन्सबर्ग का और डी नंबर है मैकावेरम पेज का। ठीक है, तो सीमित समुदाय नहीं बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक गठन है, ये कथन है मैकावेर एवं पेज की। ठीक है, मैकावेर एवं पेज की, इसलिए क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घोष तथा ग्राम इन दो प्रकार के गांवों का उल्लेख भारतीय इतिहास के किस युग में मिलता है? ऑप्शन एक है मध्ययुग, बी नंबर वैदिक युग, सी नंबर अंग्रेजों और डी नंबर है धर्मशास्त्र युग। तो घोष तथा ग्राम इन दोनों प्रकार के गांवों का उल्लेख भारतीय इतिहास के धर्मशास्त्र युग में मिलता है, इसलिए क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा डी नंबर। दोस्तों इसी तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने अपने वेबसाइट पर डाल दिए हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पर लिखा होगा sandeepinfo.com, तो प्लीज़ विजिट करिए उस वेबसाइट पर, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। ये सारे क्वेश्चन भी मैं उसी वेबसाइट पर क्वेश्चन आंसर के साथ हाईलाइट करके डाल दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतने क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं और भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और डेली मेरी क्लासेस जो हैं वो 7 बजे के बाद अपलोड हो जाती है, तो प्लीज़ आप अटेंड कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट का जो भी क्वेरी है प्लीज़ पूछिए ज़रूर का, हम उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करते हैं। तो आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।